बेंगलुरु की अर्बन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल फोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ग्राहक के खाते में 51 रुपए की रिवर्स एंट्री के साथ साथ सेवा की कमी के लिए 5,000 रुपए और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 4,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। दरअसल सैयद हुसैनी ने 23 सितंबर 2014 को अपने SBI अकाउंट से चेक के जरिए ट्विंकल पब्लिक स्कूल को 20,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी स्कूल को पैसे नहीं मिले। वहीं 3 दिन बीत जाने के बाद स्कूल अधिकारियों ने हुसैनी को फोन कर पैसे न मिलने की जानकारी दी। शर्मिंदगी का सामना करते हुए उन्होंने 29 अक्टूबर 2014 को बैंक से संपर्क किया तो पता चला कि संबंधित कर्मचारी छुट्टी पर है। इसके बाद हुसैनी की तरफ से 30 सितंबर 2014 को एक ईमेल भी भेजा गया, लेकिन बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। परेशान हुसैनी ने 2 अक्टूबर को दोबारा एक मेल भेजा, जिसके जवाब में पता चला कि ये राशि 1 अक्टूबर 2014 को स्कूल के खाते में जमा हो गई है। हालांकि इस मेल में बैंक ने देरी का कोई कारण नहीं बताया और न ही उन्हें इस बात के लिए कोई पछतावा था। इसके बाद 25 मई 2015 को हुसैनी के अकाउंट से अचानक 51 रुपए काट लिए गए, जिसके बाद उन्होंने बिना देरी किए तुरंत बैंक से संपर्क किया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि कुरियर के जरिए उनके घर पर चेकबुक, जिसके बाद बैंक अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि कुरियर के जरिए उनके घर पर चेकबुक भेजी गई थी, लेकिन दरवाजा बंद था और कुरियर बॉय को वापस आना पड़ा। जबकि हुसैनी के मुताबिक उन्होंने बैंक की इस सेवा का कोई विकल्प नहीं चुना था, बल्कि उन्होंने बैंक जाकर खुद अपनी चेकबुक कलेक्ट की थी, इसलिए 51 रुपए कटने का कोई मतलब नहीं बनता। वहीं 10 जुलाई 2015 को वो बैंक से 40,000 रुपए निकालने गए, जहां भीड़ होने की वजह से उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया। इस दौरान हुसैनी ने देखा कि 4 काउंटर होने के बावजूद सिर्फ 2 काउंटर पर काम हो रहा है। इसका जवाब जानने के लिए जब वो संबंधित अधिकारियों के पास गए तो अधिकारियों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अधिकारियों के इस दुर्व्यवहार के बाद उन्होंने 23 नवंबर 2015 को फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद फोरम ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बेंगलुरु की अर्बन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल फोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ग्राहक के खाते में 51 रुपए की रिवर्स एंट्री के साथ साथ सेवा की कमी के लिए 5,000 रुपए और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 4,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। दरअसल सैयद हुसैनी ने 23 सितंबर 2014 को अपने SBI अकाउंट से चेक के जरिए ट्विंकल पब्लिक स्कूल को 20,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी स्कूल को पैसे नहीं मिले। वहीं 3 दिन बीत जाने के बाद स्कूल अधिकारियों ने हुसैनी को फोन कर पैसे न मिलने की जानकारी दी। शर्मिंदगी का सामना करते हुए उन्होंने 29 अक्टूबर 2014 को बैंक से संपर्क किया तो पता चला कि संबंधित कर्मचारी छुट्टी पर है। इसके बाद हुसैनी की तरफ से 30 सितंबर 2014 को एक ईमेल भी भेजा गया, लेकिन बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। परेशान हुसैनी ने 2 अक्टूबर को दोबारा एक मेल भेजा, जिसके जवाब में पता चला कि ये राशि 1 अक्टूबर 2014 को स्कूल के खाते में जमा हो गई है। हालांकि इस मेल में बैंक ने देरी का कोई कारण नहीं बताया और न ही उन्हें इस बात के लिए कोई पछतावा था। इसके बाद 25 मई 2015 को हुसैनी के अकाउंट से अचानक 51 रुपए काट लिए गए, जिसके बाद उन्होंने बिना देरी किए तुरंत बैंक से संपर्क किया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि कुरियर के जरिए उनके घर पर चेकबुक, जिसके बाद बैंक अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि कुरियर के जरिए उनके घर पर चेकबुक भेजी गई थी, लेकिन दरवाजा बंद था और कुरियर बॉय को वापस आना पड़ा। जबकि हुसैनी के मुताबिक उन्होंने बैंक की इस सेवा का कोई विकल्प नहीं चुना था, बल्कि उन्होंने बैंक जाकर खुद अपनी चेकबुक कलेक्ट की थी, इसलिए 51 रुपए कटने का कोई मतलब नहीं बनता। वहीं 10 जुलाई 2015 को वो बैंक से 40,000 रुपए निकालने गए, जहां भीड़ होने की वजह से उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया। इस दौरान हुसैनी ने देखा कि 4 काउंटर होने के बावजूद सिर्फ 2 काउंटर पर काम हो रहा है। इसका जवाब जानने के लिए जब वो संबंधित अधिकारियों के पास गए तो अधिकारियों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अधिकारियों के इस दुर्व्यवहार के बाद उन्होंने 23 नवंबर 2015 को फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद फोरम ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।